जो भाई साहब पहले चरण में आगरा में मतदान है और क्या लग रहा है किस तरीके से पार्टी जीत रही है? जो ये भाजपा की सरकार, 5 साल पूरे होने वाले हैं, चुनाव का बिगुल बज चुका है और इन लोगों ने 5 साल में न किसान, रोजगार किसी के नहीं हुए ये। और जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी 2012 से 17 तक काम किए थे विकास के, चाहे वो किसान के लिए हो, चाहे नौजवान के लिए हो, चाहे हमारे बच्चे पढ़ने वाले जिनको लैपटॉप दिया, सब किया, सिर्फ ये 4.5 साल ये लोग हमारी समाजवादी सरकार के जो काम थे उन्हीं का फीता काटते रहे, शिलान्यास करते रहे, इन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ हमको और सबको बीच में बांटने का काम किया, बहकाने का काम किया, इन लोगों ने कभी काम कोई ऐसा नहीं किया। तो हम पूरी भरोसे और एतमाद के साथ कहते हैं कि आने वाली 10 तारीख को जो पहला चरण का चुनाव है, तो हम जनता से, हमें उम्मीद है और जनता दिखा भी रही और बता भी रही है कि जो आने वाली 10 तारीख है इनको सबक सिखाएगी और एक अच्छा मतदान समाजवादी सरकार के लिए और माननीय अखिलेश यादव को हाथों को मजबूत करने के लिए पहले चरण की जनता करने जा रही है। कितनी सीटें आ रही है लगभग आपके उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बन रही है? हम 350 पार हैं। और क्या मुद्दे रहेंगे जो है चुनाव जीतने के बाद आपकी सरकार करेगी? माननीय अखिलेश यादव जी ने कभी किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया, हर वर्ग के लोगों का काम किया, सबका काम किया, कभी कोई भेदभाव नहीं किया। हमारी सरकार बनने जा रही है और अखिलेश यादव जी के बारे में आप लोग जानते हैं कि कभी कोई भेदभाव नहीं करते, विकास का काम करते हैं। अखिलेश यादव को विकास का पुरुष कहा जाता है कि अखिलेश यादव काफ़ी विकास कर रहा है प्रदेश के अंदर, उसके बावजूद 2017 में जनता ने नकारा था। वो हमें जनता ने, पता नहीं ये जो अत्याचारी सरकार थी, इन लोगों ने 2017 में हमको आपको बांटने का काम किया, बहकाने का काम किया। अब जनता है, मगर अब उसी का फल है कि जनता हमको, हमारे माननीय अखिलेश यादव जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने जा रही है, समाजवादी सरकार बनने जा रही है। माननीय अखिलेश यादव जी विकास पुरुष थे और विकास पुरुष हैं, विकास पुरुष रहेंगे।